हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट कौन से हैं, क्वालिफिकेशन क्या हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है। भाई दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये आर्टिकल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in पर अवेलेबल है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया है, आप वहां से जाके इस आर्टिकल के बारे में भी जान सकते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं क्या पोस्ट है, क्या वैकेंसीज है। देखिए, जो सेल रिक्रूटमेंट ने है यंग प्रोफेशनल्स डॉक्टर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, और ये वैकेंसीज वेरियस पोस्ट में, उसके बारे में हम नीचे जानेंगे अभी डिस्क्राइब फॉर्म में। तो दोस्तों, और जो इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2022, यानी कि 17 दिसंबर 2022 से पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं पोस्ट के नाम, उनकी वैकेंसीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट के लिए जो पोस्ट है वो है कार्डियोलॉजी और न्यूरोसर्जन, और इन दोनों में जो वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो है एक एक की, यानी कि दो वैकेंसी है टोटल सीनियर कंसल्टेंट में। और जो कंसल्टेंट की, यानी कि सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स में जो वैकेंसीज हैं वो है जनरल मेडिसिन के लिए एक, ऑर्थोपेडिक्स के लिए एक, जनरल सर्जरी के लिए दो, बाकी के लिए आप हर पोस्ट के लिए, और उनके सब पोस्ट भी हैं, आप इसको देख सकते हैं, उनके साथ उनकी वैकेंसीज भी लिखी हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो एज रिक्वायर्ड है, जो मैक्सिमम एज सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड है वो है 44, और न्यूरोसर्जन के लिए भी 44। जो मैक्सिमम एज रिक्वायर्ड है कंसल्टेंट पोस्ट के लिए वो है 41। दोस्तों, हम जानते हैं सैलरी के बारे में। देखिए, सीनियर कंसल्टेंट को जो सैलरी पे की जाएगी वो मिनिमम होगी 90,000 की, और मैक्सिमम होगी 2,40,000 की। कंसल्टेंट मैनेजर के लिए जो सैलरी पे की जाएगी वो है 80,000 की मिनिमम, और मैक्सिमम है 2,20,000 की। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करके आप इस टेबल को देख सकते हैं। ये टेबल हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in पे इसी आर्टिकल में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया है। तो आइए दोस्तों, क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। देखिए, जो क्वालिफिकेशंस हैं सीनियर कंसल्टेंट की, उनको DM या DNB इन कार्डियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या किसी भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, इनको डिग्री होनी चाहिए। सीनियर कंसल्टेंट के लिए भी सेम है, बाकी आप ये ऑफिशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in पे। दोस्तों, अब हम जानते हैं अप्लाई करने का तरीका क्या है। देखिए, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे सेल के ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो ये नोटिफिकेशन हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आइए हम एक नज़र इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 17/12/2022, यानी कि 17/12/2022, यानी 17 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने की। आइए हम नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये नोटिफिकेशन है सेल की ऑफिशियल साइट से। आप यहाँ पर आराम से अपने रिजर्वेशन के हिसाब से भी वैकेंसीज देख सकते हैं, किस रिजर्वेशन में कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।